जेसी कृष्ण स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, उसमें लिखा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि सेफाली के मैथ्स और इंग्लिश दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं 30। तो दोनों के अगर टोटल मार्क्स 30 है तो उसमें हम सपोज करेंगे द मार्क्स ऑफ सेफाली इन मैथ्स, सपोज मैथ्स के मार्क्स कितने हैं एक्स, तो टोटल 30 है उसमें से मैथ्स का मैंने सपोज किया एक्स, तो फिर इंग्लिश का कितना होगा 30 माइनस एक्स। ऐसा एक सम मैंने आपको आगे भी करवाया था जॉन एंड जीवंती वाला, उसमें मार्बल दिए थे 45x, 45 माइनस एक्स, उसी तरह यहाँ पे 30 है तो मैथ्स के लिए एक्स, तो इंग्लिश के लिए 30 माइनस एक्स। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या लिखा है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। यानी कि मैथ्स में 2 मार्क उसको बढ़ेंगे, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो मैथ्स में कितने थे एक्स, अगर उसमें 2 मार्क्स मोर हो यानी कि प्लस करोगे तो एक्स प्लस 2 होगा, बराबर 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स यानी प्लस करना है एक्स प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस करना है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 30 माइनस एक्स, उसमें 3 मार्क्स आपको लेस करना है, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 यानी 27 माइनस एक्स, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल आपको दिया है 210। दोनों का मल्टीपल यानी एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, और सिंप्लीफाई आगे सिखाया था उसी तरह एक्स का मल्टीपल दोनों के साथ 27x माइनस x² प्लस 27 2 54, एंड यहाँ पे दोनों का मल्टीपल माइनस 2x, 2 का भी मल्टीपल दोनों के साथ 210 इस तरफ आएगा, तो -210 इज इक्वल टू 0। चलो पावर के हिसाब से सिंप्लीफाई करो, तो पहले एक्स की 2 पावर यानी -x² यहाँ पे देखो 27x माइनस 2x, तो दोनों का माइनस होगा 25x, कॉन्स्टेंट 54 माइनस 210, तो इन दोनों का माइनस होगा -156। आगे फर्स्ट टर्म आपको माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म माइनस दिया है तो उसको प्लस करना है, तो बाकी के साइन चेंज करो, -25x + 156 = 0, और अभी 156 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करने से 25 मिले, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 बार लिख दिया, 156 का फैक्टर 13 और 12, मिडल टर्म माइनस से दोनों को माइनस देना है क्योंकि लास्ट टर्म प्लस यानी दोनों का प्लस करना है, और प्लस में साइन इक्वल आएगा, दोनों में ऊपर नीचे एक्स एक्स कट हो गया, तो फर्स्ट फैक्टर x-13, अनदर फैक्टर x-12, -13 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +13, -12 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +12, यानी कि मार्क्स ऑफ मैथ्स पहले हम 13 लेते हैं, ये दोनों राइट है, मार्क्स ऑफ 13 यानी मैथ्स के लिए हम लिखेंगे 13, मैथ्स के मार्क्स 13, अगर मैथ्स का 13 है तो इंग्लिश 30 माइनस 13 यानी कितना होगा 17, ये 13 में से 13 आपको माइनस करना है, और अगर मैथ्स के मार्क्स आपको अगर मिलेंगे 12 तो 30 माइनस 12 यानी 18, तो इस तरह दोनों आंसर आपको कंपलसरी लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिया है उसमें आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्ट साइड। यानी कि आपको एक रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट दिया है, फील्ड दिया है, खेतर दिया है, खेत, तो यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है उसमें डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू क्या बताइए, मोर देन 60, डायगोनल इज मोर देन 60 किससे, शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड मैंने यहाँ पे सपोज किया है ए बी, आपको जो लेना है ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, उसमें स्मॉलेस्ट सबसे छोटी साइड मैंने सपोज की कौन सी की है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज शॉर्टर साइड इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो डायगोनल उसका 60 मोर देन है, डायगोनल की लेंथ उससे कितनी 60 मोर देन यानी प्लस करनी है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस लिखा है, डायगोनल भी आप लिख सकते हो, तो डायगोनल की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 हो गया। और सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखा है, इट इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि लॉन्गर, तो मैंने यहाँ पे लॉन्गर साइड लिया है बी सी, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू बी सी, और उसका वैल्यू शॉर्टर साइड से स्मॉलेस्ट साइड से 30 मोर देन है यानी एक्स है, तो इसका 30 मोर देन यानी एक्स प्लस 30, इस तरह तीनों साइड की वैल्यू आपको सपोज करनी है, शॉर्टर एक्स,
डायगोनल यानी हाइपोटेनस होगा मोर देन 60 और लॉन्गर साइड मोर देन 30 यानी x प्लस 30। और अभी मुझे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थियरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की जगह पे लिखना है एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह पे लिखना है एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर की जगह पे एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई आपने आगे पढ़ा हुआ है उसी तरह करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स आएगा बी की जगह पे 30 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे x प्लस 60 होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे x लिखना है और b की जगह पे 60। दोनों साइड एक्स स्क्वायर कट हो गया तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन तीनों का मल्टीपल होगा 60x, यहाँ पे 30 का स्क्वायर होगा 900, यहाँ पे तीनों का मल्टीपल होगा 120x यानी 120x, उसका साइन प्लस है, इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 120x, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर 3600 प्लस है, इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 3600 इज इक्वल टू जीरो। अरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 60x में से 120 माइनस करो तो 60 माइनस 120 यानी माइनस 60x, कांस्टेंट 900 में से 3600 माइनस करो, इन दोनों का माइनस 2700 और साइन बड़े डिजिट का यानी माइनस, और फिर 2700 इसका ऐसा फैक्टर निकालो कि माइनस करने से 60 मिले, तो फर्स्ट टर्म टू टाइम्स एक्स स्क्वायर और इसका फैक्टर निकलेगा 90-30। मिडल टर्म माइनस है तो बड़े को माइनस देना है, छोटे को प्लस देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करना है तो माइनस में साइन ऑलवेज डिफरेंट आएंगे। ऊपर नीचे एक्स कट हो गया, एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30, एक्स माइनस 90 एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 90 ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 90 और प्लस 30 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 30। कोई भी साइड का वैल्यू कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिखा है यहाँ पे नॉट पॉसिबल। आगे x की वैल्यू कितनी होगी 90, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर साइड ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर, शॉर्टर साइड ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर और लॉन्गर साइड बी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर।